हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। फ्रेंड, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेके एक नई ट्रिकी वीडियो। अगर आपने पिछली ट्रिकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आप अच्छे से देखोगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसे आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके अलावा मैथ्स करंट अफेयर्स की ट्रिक की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला रूट वर्ड है गॉड के लिए। गॉड के लिए हम यूज करेंगे थी। गॉड के लिए दोस्तों हमें यूज करना है थी। इसके बाद आता है वन। वन के लिए हमें यूज करना है मोनो। वन के लिए क्या यूज करेंगे? मोनो। इसके बाद आता है हेट। हेट के लिए यूज करेंगे मिसो। हेट के लिए क्या यूज करेंगे? मिसो। इसके बाद आता है हमारे पास मैरिज। मैरिज के लिए हम यूज करेंगे गेमस। मैरिज के लिए दोस्तों यूज करना है गेमस। इसके बाद आता है ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड के लिए हम यूज करेंगे एंथ्रोप। ह्यूमन काइंड के लिए क्या यूज करेंगे? एंथ्रोप। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लव। लव के लिए यूज करेंगे फीले। लव के लिए क्या यूज करना है? फीले। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन वन से स्टार्ट होगा तो उसके पीछे एसटी ज़रूर लगेगा, ये आपको याद रखना है। तो पहले एग्जांपल पढ़ते हैं हम। वन हु बिलीव इन गॉड। तो गॉड के लिए हम यूज करेंगे थी। और मैंने बताया है जैसे अगर क्वेश्चन वन से स्टार्ट होगा तो पीछे क्या लगेगा? एसटी। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा थीस्ट। वन हु बिलीव इन गॉड, तो इसका हो जाएगा थीस्ट। इस तरह से आप इसे बड़ी आसानी से पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है वन हु हेट मैरिज। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि अगर वन से स्टार्ट होता है तो पीछे क्या लगेगा? एसटी। और हेट के लिए हम यूज करते हैं मिसो। और मैरिज के लिए हम यूज करते हैं गेमस। तो यहाँ से बन गया हमारा मिसो गेमस्ट। इस तरह से आप इन्हें याद कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु हेट वूमेन। वन हु हेट वूमेन, तो हेट का बन गया हमारे पास मिसो और वूमेन का गेमस। तो एस टी पीछे लगेगा, तो इससे बन गया हमारा मिसो गेमेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन वन मैरिज। तो वन के लिए हम यूज करेंगे मोनो और मैरिज के लिए हम यूज करेंगे गेमेस्ट। यहाँ से हमारा बन गया मोनो गेमेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन मोर देन टू मैरिज। मोर देन टू का हमारे पास हो गया पोली और मैरिज का हो गया हमारे पास गेमी। और वन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए पीछे लग गया एसटी, तो बन गया पोली गेमेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है वन हु लव ह्यूमन काइंड। वन हु लव्स ह्यूमन काइंड, तो लव के लिए हमारे पास बन गया फिले और ह्यूमन काइंड का बन गया हमारे पास एंथ्रोप। और क्योंकि क्वेश्चन वन से स्टार्ट हो रहा है तो पीछे लग गया एसटी, तो हमारा बन गया फिल एंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है वन हु हेट ह्यूमन काइंड। हेट के लिए हमारे पास बन गया मिसो और ह्यूमन काइंड के लिए बन गया एंथ्रोप। और क्योंकि क्वेश्चन जो है वन से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए पीछे लग गया एसटी, तो हमारा बन गया मिसो एंथ्रोपिस्ट। हमारा नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ह्यूमन काइंड का हमारे पास बन गया एंथ्रोप और स्टडी के लिए हम यूज करते हैं लॉजी, तो यहाँ से बन गया हमारा एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन मोर देन टू गॉड्स।
तो मोर देन टू का बन गया हमारे पास पोली, गोल्ड का बन गया थी, और क्योंकि जो क्वेश्चन है वो वन से स्टार्ट हो रहा है तो पीछे लग गया एस टी, तो हमारा बन गया पोलीथीस्ट। नेक्स्ट है हमारा वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गोल्ड का हमारे पास बन गया थी, क्योंकि क्वेश्चन वन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए पीछे लग गया एस टी, और नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे आगे जो है ए लगा देंगे, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा एथेस्ट। चलिए दोस्तों लगाते हैं अब टेस्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ट्रिक के माध्यम से किस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो गए हैं। तो हमारा पहला है वन हु हेट स्टडी, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्वेश्चन जो है वन से शुरू हो रहा है तो पीछे क्या लगेगा एस टी लगेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो तो हो गया गलत। इसके अलावा हमें देखना है अब हेट के लिए क्या हम यूज करते हैं, हेट के लिए हम यूज करते हैं मिसो, और स्टडी के लिए हम यूज करते हैं लॉजी, तो हमारा फर्स्ट जो आंसर है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम इसे बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन वन गॉड, तो यहाँ से हम किस तरह से पकड़ेंगे इसे, सबसे पहले तो हमें देखना है कि पीछे क्या लगना चाहिए, एस टी लगना चाहिए जो कि सभी ऑप्शनों के लगा हुआ है। इसके बाद हमें देखना है कि वन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वन के लिए यूज करते हैं मोनो, और गोल्ड के लिए हम यूज करते हैं थी, यहाँ से बन गया हमारा मोनोथीस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है हमारा वन हु हेट मैरिज, तो सबसे पहले हमें देखना है कि वन से स्टार्ट हो रहा है तो पीछे क्या लगेगा एस टी, तो यानी ये तो ऑप्शन हो गया हमारा गलत। इसके अलावा देखते हैं अब हेट के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, हेट के लिए हम यूज़ करते हैं मिसो जो कि बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, और मैरिज के लिए क्या यूज़ करते हैं गेमिस्ट, गेमी, यहाँ से हमारा बन गया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है वन हु बिलीव मोर देन टू गॉड्स, यहाँ से सबसे पहले तो हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या पीछे लगेगा एस टी, तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो हो गए हमारे गलत। इसके बाद देखते हैं मोर देन टू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं पोली, और इसके बाद गॉड के लिए हम क्या करते हैं थी, और एस टी लगाते हैं वन के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो इसके लिए गॉड के लिए हमारे पास क्या था थी, और नेगेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते थे आगे ए लगा देना है हमें, तो यहाँ से बन गया हमारा एथीस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है वन हु हेट वूमेन, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले तो एस टी पीछे होना चाहिए तो यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही गलत हैं। इसके बाद हेट के लिए क्या यूज करते हैं मिसो, तो दोनों ऑप्शनों में मिसो है सी और डी में, तो इसके अलावा वुमेन के लिए हम यूज करते हैं गेमिस्ट, तो यहाँ से बन गया हमारा मिसो गेमिस्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन वन मैरिज, तो यहाँ से हमें सबसे पहले देखना है कि पीछे आता होना चाहिए एस टी, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा। इसके अलावा देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है, तो वन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर मोनो, और मैरिज के लिए क्या यूज करेंगे गेमी और एस टी, क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मोनो गेमिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन मोर देन टू मैरिज, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, मोर देन टू के लिए हम यूज करते हैं पोली, और मैरिज के लिए हम यूज करते हैं गेमी और एस टी, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो वन से स्टार्ट हो रहा है तो ये बन गया हमारा पोली गेमिस्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु लव्स ह्यूमन काइंड, तो इसके लिए हमारे पास लव के लिए हमारे क्या था दोस्तों, लव के लिए हमारे था फिले, और
ह्यूमन काइंड के लिए था एंथ्रोपिस्ट, यहाँ से बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ए फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इसके चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। उम्मीद करता हूँ आज की ट्रिकी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिकी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।